अल्लाह मैं मोहम्मद इदरीस आप देख रहे हैं एफ एम टी टी एस यूट्यूब चैनल क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 जो कि इंडिया होस्ट करने जा रहा है गुज्तर रोज़ आई सी सी की जानब से वर्ल्ड कप के शेड्यूल का बाबाबा ऐलान कर दिया गया है जो कि छियालीस दिन के ऊपर मुश्तमिल ये इवेंट है और 10 मकाम इंडिया के ऐसे चुन लिए गए हैं जहाँ पर आई सी सी ओ डी आई वर्ल्ड कप जो है वो इवेंट करवाया जाएगा और ये इवेंट जो है वो पाँच अक्टूबर को स्टार्ट होकर उन्नीस uh, नवंबर को नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में ही इख्ताम पसीर होगा पहला मैच जो है वो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीम के माबन खेला जाएगा जबकि पाकिस्तान का जो पहला मैच है वो 6 अक्टूबर को फर्स्ट क्वालिफायर टीम के साथ खेला जाएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो इस वक्त मामला चल रहे थे पाकिस्तान ने कुछ मुतालबात रखे थे जिसको लेकर पाकिस्तान का कोई भी मुतालबा एक्सेप्ट नहीं किया गया तो अब पाकिस्तान का एक ऐसा बड़ा मुतालबा जो एक्सेप्ट कर लिया गया है जिसको लेकर पाकिस्तान की एक कह सकते हैं बहुत बड़ी कामयाबी है और पाकिस्तान के वर्ल्ड कप को जीतने बहुत, बहुत गमुस्से का इजहार भी कर रहा है पाकिस्तान का यह मुताबा क्यों एक्सेप्ट किया गया और इंडियन मीडिया अपने आप में ही इस चीज को एक्सेप्ट भी कर चुका है पाकिस्तान के इस मुताबे को माने, मानने के बाद जो है पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप में कंफर्म जीत जाएगा वर्ल्ड कप की ट्रॉफ़ी उठाएगा तो वो जो पाकिस्तान का मुतालबा है वो मुतालबा कौन सा था जो कि पाकिस्तान ने जो तीन मुतालबात रखे थे एक में उन्होंने कहा था अहमदाबाद में नहीं खेलेंगे दूसरा मुतालबा था कि हम चेन्नई में अफगानिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे तीसरा मुतालबाबा ये था कि हम बेंगलुरु में ऑस्ट्रेलिया के साथ नहीं खेलेंगे तो इनमें से तो पाकिस्तान का कोई भी मालबा एक्सेप्ट नहीं किया गया लेकिन इसके अलावा एक और बड़ा मुतालबा पाकिस्तान का था जो कि एक्सेप्ट हो चुका है और ये बड़ा मुतालबा ऐसा मुतालबा है जिसको लेकर पाकिस्तान को बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है यह मुतालबा कौन सा है और किस तरह से पाकिस्तान का मुतालबा एक्सेप्ट किया गया ये मैं आगे चलकर आपको बताता हूं इससे पहले जो आईसीसी का ओडीआई वर्ल्ड कप जिसका शेड्यूल का ऐलान हुआ था उसके रद्द अमल में जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानब से एक बयान सामने आया था उन, उनका यह कहना था कि हमारी गवर्नमेंट की जानब से अगर हमें इजाजत मिलेगी तो ही हम वर्ल्ड कप के लिए इंडिया का सफर करेंगे अदरवाइज हम नहीं जा सकते क्योंकि हमारी पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने तमाम इश्यू क्लियरस करने हैं उसके बाद ही हमें इजाजत मिलेगी तो इसको लेकर अब प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के साथ गुफ्तगु करते हुए उनको अपना इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाते हुए आई के एक आला आलादेदार ने बहुत बड़ी बात कह डाली उनका यह कहना था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो ये बात कही है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट की जानब से अगर उनको इजाज़त मिलेगी तो उसी सूरत में वो इंडिया अगर वर्ल्ड कप खेलेंगे तो ये एक नॉर्मल सी बात है क्योंकि तमाम जो मुल्क हैं वो अपनी गवर्नमेंट से इजाजत लेकर ही आते हैं तो पाकिस्तान और आई के दरमियान के जो ताल्लुक हैं वो बहुत बेहतर हैं खुशगवार ताल्लुक हैं तमाम चीज़ें जो है वो स्मूथ चल रही हैं कोई भी इसमें कोई लड़ाई झगड़ा या कोई टेंशन वाली बात नहीं है तो यहाँ पर हम बहुत मतम हैं पुर उम्मीद भी हैं कि पाकिस्तान की टीम जो है वो इंडिया आकर खेलेगी चूंकि ये आई सी सी का इवेंट है और आई सी सी के इवेंट के लिए पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है वो इनको इंकार नहीं कर सकती तो इसको लेकर आई सी सी जो है वो पुरीद भी हैं और मुतमिन भी हैं कि पाकिस्तान की टीम इंडिया का सफर करेगी और पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो अपनी टीम को इंडिया आकर खेलने के ऊपर इनकार नहीं करेगी जो भी सिक्योरिटी के इशूज़ हैं वो क्लियरस हो जाएंगी तो अब हम बात करते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर चूंकि पाकिस्तान का एक बड़ा मुतालबा मान लिया गया है आखिर वो बड़ा मुतालबा कौन सा था क्योंकि पाकिस्तान के जो मेन तीन मुतालबाते हैं उनमें से तो कोई भी एक्सेप्ट नहीं हुआ और जो आई सी सी का शेड्यूल अनाउंस हुआ है गुज्तर रोज़ उसमें पाकिस्तान इंडिया का मैच अहमदाबाद में रखा गया है पाकिस्तान अफगानिस्तान का मैच चेन्नई में रखा गया है पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का मैच बेंगलुरु में रखा गया है जबकि पाकिस्तान इन तीनों वेन्यूज़ के ऊपर पाकिस्तान ने अपने मुतालबाद का इजहार किया था कि हम यहाँ पर नहीं खेलेंगे लेकिन फिर भी आखिर ऐसा कौन सा मुतालबा है जो पाकिस्तान का मान लिया गया एक मुतालबा ऐसा है जो पाकिस्तान का माना गया है वो मुतालबा ये है पाकिस्तान ने बोला था कि हम अपने जो वार्म अप मैचेस हैं वो नॉन एशियन कंट्री के साथ खेलेंगे हम ये नहीं खेलेंगे जो आपने अफगानिस्तान के साथ रख दिया है हम अफगानिस्तान के साथ वार्म अप मैच नहीं खेलेंगे चूँकि पाकिस्तान का ये कहना था कि हम एशिया कप के अंदर अफगानिस्तान के साथ खेल कर आए होंगे तो हमें नॉन एशियन कंट्री दी मैच जाए वार्म अप मैचेज के लिए ताकि हमें उनकी स्ट्रेंथ का पता चल सके और हम वर्ल्ड कप के लिए एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकें तो अब पाकिस्तान की इस मुतालबे को मान लिया गया है और पाकिस्तान के जो वार्म अप मैचेज हैं वो नॉन एशियन कंट्री के साथ रख दिए गए हैं चूँकि वार्म अप मैचेज जो हैं वो उनतीस सेप्टेम्बर को स्टार्ट होकर तीन अक्टूबर तक खेले जाएंगे और ये तीन वेन्यूज़ के ऊपर खेले जाएंगे हैदराबाद थिरू नंथापुरम और गुवाहाटी में खेले जाएंगे जबकि पाकिस्तान के जो दो मैचेस होंगे जिनमें से 29 सितंबर को पाकिस्तान का पहला मैच वार्म अप मैच जो है वो न्यूजीलैंड के साथ हैदराबाद क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा जबकि दूसरा वार्म अप मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ हैदराबाद क्रिकेट स्टेडियम में ही खेला जाएगा ये पाकिस्तान के लिए एक कह है सकते हैं बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया है वर्ल्ड कप की अच्छी तैयारी के लिए और उनकी विकेट्स को मालूम करने के लिए उनकी विकेट्स को जानने के लिए कि उन हैदराबाद की विकेट के ऊपर कंडीशन किस तरह की है आया के बॉलिंग में मदद मिल रही है आया के बैटिंग में मदद मिल रही है बॉल स्विंग हो रहा है या बॉल स्लो आ रहा है तो ये तमाम चीज़ें जो है पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित हो सकती हैं क्योंकि पाकिस्तान के जो पहले दो मैचेज़ हैं जो कि पाकिस्तान ने फर्स्ट क्वालिफायर टीम जो कि मोस्ट प्रोबेबली श्रीलंका की टीम हो सकती है और सेकंड क्वालिफायर टीम जो कि मोस्ट प्रोबेबली जिम्बाब्वे की टीम हो सकती है इनके साथ खेलने हैं तो हैदराबाद के अंदर ही वो भी खेलने हैं पाकिस्तान ने तो जो पहले दो मैचेस वार्म अप मैचेस पाकिस्तान ने है हैदराबाद में खेल लेने हैं उसके बाद पाकिस्तान को हैदराबाद की कंडीशन का अच्छे से आइडिया हो जाएगा उसके बाद अपने पहले दो मैच क्वालिफायर वन और क्वालिफायर टू से जीतने में उन्हें कोई भी इतनी ज्यादा मुश्किल या दुश्वारी नहीं पेश आएगी तो यह एक बहुत बड़ी अपडेट थी और पाकिस्तान का बहुत बड़ा मुतालबा था जिसको आईसीसी ने मान लिया है उसको लेकर इंडियन मीडिया में एक तहलका मचा हुआ है कि पाकिस्तान का यह मुतालबा क्यों माना गया इस तरह पाकिस्तान को बहुत ज्यादा मदद मिल जाएगी पाकिस्तान वर्ल्ड कप भी जीत सकता है तो ये चीजें थी जो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करनी थी दोस्तों आपके ख्याल में ये जो पाकिस्तान का मुतालबा माना गया है पाकिस्तान की जीत के लिए कितना अहम और कितना मददगार साबित हो सकता है क्या राय है आपकी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके देना है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़